किसान भाइयों नमस्कार, और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाऊंगा मूली को जो मैंने काट कर और खाद में मिलाया था, जो गोबर में मिलाया था, उसके ऊपर मैंने दो बार वेस्टिंग पाउडर का छिड़काव किया, और अब आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से परिष्कृत होकर एक बहुत अच्छी खाद के रूप में हो गया। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि मेरे खेत से जो भी घास निकलती है या जो आसपास पत्ते होते हैं उनको इकट्ठा कराता हूँ, और उन पत्तों के ऊपर ये कटी हुई घास डालकर उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर छिड़कवाता रहता हूँ। तो आज देखिए वो वेस्ट डिकम्पोजर छिड़कने के बाद घास कैसे हो गई है, और आज उसको जो खाद बनी है, जो पत्ती की खाद बनी है, उसको मैं अब जो मूली की और गोबर से जो खाद बनी थी उसके ऊपर डलवा दिया है। अब इसको मैं आज और थोड़ा वेस्ट डिकम्पोजर छिड़कवाऊँगा और ये बहुत ही परिष्कृत खाद के रूप में बन जाएगी। ये कम्पोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, जिसमें पत्तियां जो है वो एक कार्बन का रोल अदा करती है। यानी अगर खाली गोबर की खाद होगी उससे बहुत अच्छी खाद है, इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है। केचुए जितनी तो नहीं है जो केचुआ खाद से बनती है, लेकिन जो साधारण गोबर जो आप वैसे ही जो खत्ता है उस पर डालते रहते हैं और उसको डालते हैं, उससे बहुत अच्छी खाद है। और चूँकि इसमें पत्तियों की लगभग पूरी मात्रा है, और हमने लगभग इसमें 25-40% तक इसमें आसपास की पत्तियां और खेत की घास है वो मिली हुई है, तो हमारे खेत को कार्बन की मात्रा बहुत अधिक मिलेगी, जिससे खेत में ह्यूमस बढ़ेगा। और ह्यूमस बढ़ने से क्या होता है, ह्यूमस एक तरह की फुलफुली मिट्टी होती है, और उससे जो है ना हमारे पौधों में बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, और वो पूरी नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे, और जो भी हम खाद पानी देंगे उसकी पूरी तरह से ग्रहण करेंगे और हमारे पौधों को देंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि आज इस खाद की क्या हालत है। किसान भाइयों, ये हमने जो हमारी मूली थी करीब दो बुग्गी जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, उनको हमने काट कर उसमें थोड़ा गोबर मिला दिया था। गोबर मिलाने के बाद उस पर दो बार वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव किया, और छिड़काव के बाद अब देखिए कि ये कितना अच्छा खाद में परिवर्तित हो गया। अब कहीं भी आपको इसमें कोई मूली नहीं, ये देखिए इसमें अब कहीं भी मूली नहीं नज़र आ रही, और खाद ने उसको पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। यानी अगर मैं मूली बेचता तो मुझे 1,000, 1,500 या 2,000 रुपये मिलते, और अब लगभग मेरी 2 ट्रॉली के करीब खाद तैयार हो गई, जिसकी कीमत कम से कम 6,000 रुपये। और ये सब वेस्ट डिकम्पोजर का कमाल है, इस पर मैंने दो बार वेस्ट डिकम्पोजर छिड़का है। और अब आप ये देखिए, ये मैंने जो आपको दिखाया था, जो खेत से घास फूस निकली है उसको मैं इस प्रकार इकट्ठी कर लेता हूँ, और ये आसपास की जो पत्तियाँ थी इनके ऊपर उस घास फूस को डालकर वेस्ट डिकम्पोजर छिड़कता रहता हूँ। तो दो बार वेस्ट डिकम्पोजर छिड़क कर ये लगभग 20 दिन के बाद देखिए कितनी अच्छी खाद बनकर तैयार हो गई। अब मैं इसको जो ये मेरा मूली वाला खाद था इसके ऊपर डलवा रहा हूँ, और इसमें थोड़ा शाम को वेस्ट डिकम्पोजर एक बार छिड़क दूँगा, और परसों बारिश होगी, और बारिश के बाद इसमें एक बार फिर फावड़ा निकलवाऊँगा, और मेरी बहुत अच्छी खाद जो मुझे केले लगाने के लिए चाहिएगी, बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, गोबर को और जो आसपास की पत्तियां हैं खेत की घास को ऐसे ही मत फेंकिए। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर खेत से निकली हुई घास को हम बारीक बारीक काट लें, और काटने के बाद उसका प्रयोग करें, उसे इसमें मिलाएं, तो वो बहुत जल्दी परिष्कृत होती है और बहुत अच्छी खाद मिलती है। जितनी पत्तियां आप गोबर की खाद में मिलाएंगे कार्बन की मात्रा उतनी ही अधिक मिलेगी, और उतनी ही पावरफुल यानी उत्तम खाद आपको प्राप्त होगी। अगर आप केचुआ खाद भी नहीं बनाना चाहते तो कम से कम अपनी गोबर की खाद का उचित प्रबंधन कीजिए, देखरेख कीजिए, उसमें आसपास की पत्तियां, किचन वेस्ट मिलाइए, वेस्ट डिकम्पोजर छिड़किए, जिससे कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भरपूर मात्रा मिले। इस प्रकार जो हम अपने कूड़े करकट को ऐसे ही छोड़ देते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वह बहुत एक उत्तम खाद में हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारी लागत घटती है। और एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि लागत कम होने का मतलब है बचत, और बचत आपकी आमदनी होती है। इसी के साथ आप सबका
धन्यवाद, नमस्कार।